खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार दोस्तों, विशाल मंडल के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बताते चले कि नवरात्रि के मौसम में सभी भक्तों का जमावड़ा जौनपुर के नेवाड़िया मंदिर पर लग गया। वहीं पर खबर एजेंसी टीम से पहुंचे आशीष ने भक्तों से जाना माता के उस मंदिर के रहस्य के बारे में। आइए देखते हैं आशीष सिंह के साथ यह रिपोर्ट। आइए, हम आ गए हैं मंदिर परिसर के अंदर, जहां हम आपको अपने खबर सेवंसी चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि नेवाड़िया शीतला माता मंदिर का यह स्थान है। और इसके बाद यहां पे पूरे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सुबह से लोग दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। आइए, हम आपको लेके चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर की तरफ और आपको पूरी व्यवस्था को हम दिखाएंगे। जी सर, नाम बताइए। विजय कुमार सर। विजय कुमार जी, बताइए कितने सालों से आप इस नेवाड़िया शीतला मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? सर, हम तो करीब 20 साल हो गया है जी। 20 साल से आप आ रहे हैं कंटिन्यू जी। क्या मान्यताएं हैं यहाँ पे, लोग क्यों इतनी दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए? बहुत अच्छा लगता है, माँ के दरबार में जो भी इच्छाएँ होती पूरी होती है जी जी। और जो भी मान्यताएं होती, बहुत दूर से, दूर दराज से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए जी जी। बड़े बड़े भक्त लोग बहुत दूर से आते हैं जी जी। और सबकी आस्थाएं पूरी होती है माँ के दरबार में जी जी जी। बिल्कुल, आइए। यहाँ पे हमारे साथ में पुलिस प्रशासन की लोग भी लगे हुए हैं, यहाँ महिला सुरक्षा कर्मी हैं। उनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी सुबह से यहाँ पे कितने लोग दर्शन करके गए होंगे? जी मैम, यहाँ पे सुबह से बहुत लोग चले गए हैं दर्शन करके, नहीं तो हजार लोग चले गए होंगे जी। बिल्कुल, आप कितने बजे से यहाँ पे उपस्थित हैं? हम तो 6 बजे से ही उपस्थित जी। 6 बजे से हैं आप? 6 बजे से लगातार, मतलब यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है जी। बिल्कुल, आइए हम आपको चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर की व्यवस्था को आपको दिखाएंगे। आइए, कुछ लोग और हैं हमारे साथ में, उनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा जी। नाम क्या आपका? सोनू कुमार गुप्ता जी। सोनू जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो नेवाड़िया शीतला माता मंदिर की जो मान्यता है, यहाँ पे क्यों इतने दूर दूर से लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं? ये तो पहले से ही मानता है यहाँ पे कि माँ में इतना शक्ति है कि लोग दूर दूर से आते ही हैं जी जी। और हमारा टीम भी यहाँ सहयोग कर रहा है, आ रहे हैं सब लोग जी। बिल्कुल, आपकी टीम पूरी यहाँ पे सहयोग करने के लिए लगी हुई है। हाँ जी, आइए हम आपको लेके चलते हैं मंदिर परिसर के। आइए, हम आपको दिखाते हैं अपने खबर सेवंसी कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे CCTV कैमरे की भी व्यवस्था की गई है जी। मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि पूरे CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। यही वह माता जी का स्थान है जहाँ पे लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आइए, जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी सुबह से कितने भक्तगण यहाँ पे दर्शन किए? कम से कम 1000 तो हो ही गए होंगे जी। 1000 से ऊपर लोग दर्शन कर चुके हैं जी। ये मतलब आज जो शुक्रवार का दिन है, अष्टमी है, तो भीड़ काफी थी। हाँ, भीड़ काफी थी। माई के दरबार में लोग आते हैं, अच्छे से लोग दर्शन करके चले जाते हैं माई के मनोकामना से, अच्छे से जी जी। महारानी माई उनको अच्छे से रखती हैं जी। बिल्कुल, आइए हम आपको दिखाते हैं, यही माता जी का वो स्थान है अपने खबर सेवंसी कैमरे के माध्यम से। यहाँ से लोग जो है बड़े दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यही माता जी शीतला का वो स्थान है। देखिए, हम आपको अपने खबर सेवंसी कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ के जो लोग दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ पे एक मान्यताएं होती है कि लोग कढ़ाई चढ़ाती हैं। तो दिखा रहे हैं हम अपने खबर सेवंसी कैमरे के माध्यम से कि लोग जो है कढ़ाई को चढ़ा रही हैं, अपनी जो मान्यताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। यहाँ पे जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं, ये माता जी को हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आइए, हम यहाँ पे जानकारी भी हम आपको अपने खबर सेवंसी कैमरे के माध्यम से आपको दिलवाएंगे कि यहाँ पे जो लोग कढ़ाई चढ़ाती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। पूछते हैं कि यहाँ पे जो ये प्रसाद बनाया जा रहा है तो क्या मान्यताएं हैं, क्यों यहाँ पे लोग आके दूर दूर से कढ़ाई चढ़ाते हैं जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम जी सुमन यादव जी। तो बताइए, आप कहाँ से आई हैं? कुतुबपुर से। अच्छा, कुतुबपुर से आप आई हैं। तो यहाँ पे जो कढ़ाई चढ़ाने की मान्यताएं हैं? अच्छा जी जी जी, मतलब जो शादी हुई उसी की मान्यता को लेके आप यहाँ कढ़ाई चढ़ाने हैं? हाँ। जी 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 जी। आइए, कुछ और लोग हैं वहाँ से भी मैं आपको अपने खबर सेवंसी कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कढ़ाई चढ़ाया जाता है इसकी मान्यता है क्या है जी। नाम क्या है आपका? कविता देवी जी। कविता जी, ये बताइए, जो कढ़ाई चढ़ाने की मान्यता है
यहाँ पे जो ये पर्पज है आपका कढ़ाई चढ़ाने का, किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पे इस नवणिया धाम में कढ़ाई चढ़ा रही हैं? शीतला माई के धाम में कढ़ाई चढ़ा रहे हैं और बच्ची का मनौती था इसीलिए। अच्छा अच्छा, मतलब बच्चे की एक मनौती थी उसके लिए यहाँ पे जो है कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसा कि मैं अपने खबर सेवन से कैमरे के माध्यम से आपको दिखाया कि यहाँ पे जो लोग कढ़ाई चढ़ाने आते हैं उनके कोई ना कोई मान्यता होती है, उस मान्यता के अनुसार ही लोग यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाते हैं।